जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपको सिखा रही हूँ लावा केक। ना लावा केक में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बताती हूँ मैं आपको। 2 कप मैंने इसके अंदर 2 कप्स ऑफ फ्लोर, वाइट फ्लोर है इसमें, और आइसिंग शुगर है हमारी। आइसिंग शुगर ले लें या ग्राइंड शुगर कर, पहले उसे शुगर को लें बाद में उसको ग्राइंड करें, पहले उसको मैयर करें। उसके स्पून्स ये मेरे इसमें जो लिए मैंने हैं 8 टेबल स्पून हैं। 8 टेबल स्पून लेके फिर आप उसको मतलब हाफ कप है ये। अगर आप आधे कप को लें पहले शुगर को नापें उसके बाद आप उसको ग्राइंड करें, क्योंकि नापने में ज़्यादा होती है। अगर ये फूल के ज़्यादा हो जाती है नापने में कम होती है। तो अगर आपने शुगर लेनी है तो शुगर पहले लें 8 टेबल स्पून, उसको ग्राइंड कर लें ऐसे, या आइसिंग शुगर ले रहे हैं तो 10 स्पून ले लें। ये जी 8 टेबल स्पून शुगर है मेरी, ग्राइंड शुगर। और ये मेरे वो हैं डेकोरेट के लिए, गार्निश के लिए हैं जी हमारे पास, चॉकलेट के हैं कुछ हम। ये मेरे 10 हैं मेरे ख्याल से, तो 10 में ऐसे मैं 5 उसके अंदर अपने आमेजे में मिलाऊंगी और 5 मैं गार्निश के लिए रखूंगी। और ये 3 अंडे हैं, 3 एग हैं, और ये 12 पीसेज हैं मेरे पास चॉकलेट के, जो मैं केक के अंदर फिल करूँगी। और हमारे पास 1/2 कप ऑफ मिल्क है, ये हम देख के डालेंगे उसके अंदर कि हमें कितनी ज़रूरत है, लेकिन दूध की क्वान्टिटी कम चाहिए हमें। तो अब शुरू करते हैं। और जो मेरा बेकिंग पाउडर इसमें मैंने बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है वो है सेल्फ रेजिंग है ना, तो इसमें ज़रूरत नहीं है बेकिंग पाउडर की ना। मैं आगे बनाना शुरू करती हूँ जी। मैं दिखाना आपको भूल गई थी, इसमें वनीला एसेंस डलेगा 1 टीस्पून, और ये मेरे पास चॉकलेट स्प्रिंकल्स हैं, ये ऊपर से हम गार्निश के लिए उसके ऊपर डालेंगे। ये चीज़ें हो गई, मैं बनाना शुरू करती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे पास इसके अंदर मैंने ये जो चॉकलेट के 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5 मैं इसको डालती हूँ, माइक्रो में रखती हूँ, मैं फिर आपको दिखाती हूँ मेल्ट करके। देखें जी हमने ना मेल्ट कर ली चॉकलेट इसके अंदर। ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें कितनी चॉकलेट डालें, ज़्यादा चॉकलेट ही बनाना है कितना है। मैंने 5-6 इसमें पीस डालें, 6 पीस डालें, 5-6, तो ये चेक कर लें। अब इसके अंदर हम जी वनीला एसेंस, अगर आपने स्पून में नापना है नहीं तो आप इसके कवर में कैप में भी 1 फुल करके, ये बन गया आपका 1 टीस्पून, ये हो गया। मैं आइसिंग शुगर है मेरी वो मैं इसमें डाल रही हूँ 8 टेबल स्पून। मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम अपना फ्लोर जो है हमारा, थोड़ा सा इसमें पहले दूध डालती हूँ ताकि ज़रा सा ये लिक्विडी हो जाए। और ये हमारा दूध गया, मैंने इतना सा दूध छोड़ा है, देखें वैसे भी ग्लास मेरा छोटा है, फिर मैंने 1/2 ग्लास लिया है ये, मतलब कि इसमें 6 टेबल स्पून चले गए होंगे दूध के, इतना होगा 5 टेबल स्पून। ये मेरा 2 कप जो है 2 कप्स ऑफ फ्लोर चला गया, इसको बीट करती हूँ मैं जब तक। ये जी देखें, देखें ये मैंने ना इतना इसको वो कर लिया है इसके अंदर, जो बाकी दूध हमारा बचा था ये भी हम इसमें डाल देते हैं, 1/2 ग्लास हो गया जी। मैं इसको मिक्स करती हूँ, मिक्स करके दिखाती हूँ मैं आपको इसको दूध को भी। ये देखें जी मिक्स हो गया, इसमें आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसको डार्क करना है चॉकलेट डालनी है और चॉकलेट भी डाल सकते हैं, ऐसा वो कोई नहीं है, जितना आप डार्क खाना चाहते हैं चॉकलेट उतना ही डार्क हो, क्योंकि मैं अंदर ही चॉकलेट डालूंगी, इस वजह से मैंने ज़्यादा बाहर का चॉकलेट ही नहीं रखा। लम्स बीच में ना हो केक के, ये ख्याल रखें।
ठीक है, अब इसके अंदर हम डालते हैं इसको। मैंने अपने बॉल के अंदर बटर लगा लिया है सारे में ना। अगर आप बटर पेपर लगाएंगे तो पहले बटर लगा के फिर बटर पेपर लगाएं, फिर उस पर ऑयल ग्रीस कर लें उसको, फिर उसके ऊपर केक डालें। वरना आप इसके ऊपर बटर या असली घी है आपके पास ऑयल है वो लगा लें, वरना घी से सबसे अच्छा, या सबसे पहले बटर हो, बटर नहीं है तो घी ले लें, घी नहीं है असली घी तो आप वो ले लें, ऑयल ले लें। सारा इसे बेशक आप ओवन में करें या माइक्रोवेव में करें, ये आपका ये क्या करते हैं कि ये मेरे पास चॉकलेट्स जो बड़ी हैं ये आपकी मर्जी, आप इसमें कितनी चॉकलेट डालें, क्योंकि चॉकलेट तो अंदर हो जाएगी। ये माइक्रो में बनाइएगा और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा लावा केक। चॉकलेट ज़्यादा होगी तो बच्चे और शौक से खाएंगे। ये देखें चला गया, इसको इस तरीके से अंदर कर दें। इसको अंदर कर देंगे सारों को, अंदर करने के बाद जी कवर कर लें। मैं इसको माइक्रो में रखती हूँ 12 मिनट के लिए। अब ये आपके माइक्रो पे डिपेंड करता है कि आपका माइक्रो किस तरह है कि आप चेक कर लीजिएगा, मगर कम से कम 5 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा। अगर दो मग्गे बना रहे हैं तो, अगर एक मग्गा बना रहे हैं एक मग्गे की क्वांटिटी है तो आप जल्दी चेक कर लीजिएगा, मतलब 3 मिनट चेक कर लीजिएगा एक मग्गे की क्वांटिटी है तो। इसे माइक्रो में रखते माइक्रो में रखा है इसको मैंने। पहले लगाती हूँ, पहले 10 मिनट पूरे हो गए, अब मैं चेक करती हूँ। बहुत हॉट है, शीशे का है तो प्लीज देख के कीजिएगा। देखें कि ये देखें ये अलग हो गया है ना, ये जगह छोड़ दी है इसने। छुरी डाल के ज़रा सा कर दें, वैसे तो ये देखें अलग हो गया है सारा केक ना। मैं अपनी प्लेट रखती हूँ उस पर और आपको निकाल के दिखाती हूँ गर्म है। देखिए जी, अब मैंने इसको निकाल लिया है। बस आप चॉकलेट अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा, चॉकलेट अच्छी क्वालिटी होगी की होगी तो केक आपका अच्छा बनेगा। चॉकलेट अगर सही नहीं होगी तो केक में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको एंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।